हाँ, तो इस लेक्चर और अगले कुछ लेक्चर्स में हम लोग एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 175 में आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो किया गया है, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? ठीक है, इस फिगर से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? आप ध्यान देना कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी मतलब कोई आप एरिया लो, ठीक है, उस एरिया के थ्रू देखो कितना नंबर ऑफ लाइन्स पास हो रहा है ना। और फिर अगर आप यहाँ पे कोई एरिया लोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ का एरिया कम था लेकिन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा था। यहाँ पे बड़े एरिया में तीन लाइंस क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे सेम एरिया में फिर से तीन लाइन क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अगर ई है, मैग्नीट्यूड वैसे यहाँ का ई सी है और यहाँ का ई बी है, तो ई ए और ई सी इक्वल होगा क्योंकि डेंसिटी सेम है, और ई बी कम होगा क्योंकि डेंसिटी कम है। ठीक है, तो ई ए और ई सी इक्वल होगा और ई बी से दोनों ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? यहाँ पर फिर से देखो, मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, डेंसिटी कहाँ पे कम है। ठीक है, बी के आसपास वाले रीजन में डेंसिटी कम है, लाइंस पास पास नहीं, दूर दूर है, और ए के आसपास और सी के आसपास लाइंस पास पास है, और उतने ही पास पास है, जितना ए के पास पास है लाइंस उतना ही ज़्यादा पास पास सी के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। ठीक है, अब ये टू पॉइंट चार्जेस होंगे, मान लो क्योंकि मैं ये पॉइंट चार्जेस मान के मैं प्रूफ करूंगा, फिर ये तो किसी भी चार्ज के लिए वैलिड हो जाएगा। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस आपके पास Q1 Q2, उनके बीच का सेपरेशन R है, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R, है ना। तो आपको क्या बोला गया है कि चार्जेस के बीच का सेपरेशन को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, सेपरेशन को इंक्रीज किया गया मतलब R को बढ़ाया गया है ना। अब R को बढ़ाया जाएगा तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है तो आपको दिख रहा है यहाँ से आर को बढ़ाने से यू का मैग्नीट्यूड जो होगा वो घटेगा क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये नंबर का मैग्नीट्यूड जो होगा घटने वाला है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल नंबर का साइज घटेगा ना। ठीक है, साइज घटेगा, है ना। अब साइन पे आते हैं तो यू तो घट रहा है, आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ यू घट रहा है। ठीक है, तो अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा होगा, क्योंकि अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है, K तो याद रखना पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो मैं तीन टर्म्स लिखा हूँ, के पॉजिटिव होता है, आर पॉजिटिव होता है, तो क्यू वन क्यू टू के साइन पे डिपेंड करेगा कि पूरी चीज़ का साइन क्या है। ठीक है, तो अगर क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये पूरा चीज़ पॉजिटिव है, और अगर क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो पूरा चीज़ नेगेटिव है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी, के और तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तब अगर एक पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड घट रहा है, मतलब वो नंबर घट रहा है, लेकिन अगर क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट नेगेटिव होता तब अगर उसका मैग्नीट्यूड घटता, ठीक है, जैसे -5 से -4 -3 ऐसे नंबर्स हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर का अगर मैग्नीट्यूड घट रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल ये बढ़ता। ठीक है, तो खाली आपको ये बोला जाए कि उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल जी में क्या फ़र्क आ रहा है, तो आप क्लियरली बता नहीं सकते कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, इसलिए मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये थे 175 और 176। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 177। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड वाला है ना। और इसके ऑप्शंस ये, हाँ ठीक है, तो इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए लो पोटेंशियल रीजन टू ए हाई पोटेंशियल रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो सब विदाउट फॉर्मूला सपोज पता करने का मन कर रहा है, तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा अच्छे समझ पाते हो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में, तो उसका एग्जांपल लेना या उसका एनालॉजी सोचना। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव मास मानना है ना, जो कि हमें पता है हम लोग खाली पॉजिटिव मास ही इनकाउंटर करते हैं, तो पॉजिटिव मास को ही पॉजिटिव चार्ज बोल मान लेना। इज शिफ्टेड फ्रॉम ए लो पोटेंशियल रीजन, यानी अर्थ सर्फेस के
पास तो लो पोटेंशियल है और जितना ऊपर जाएंगे हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो आप सिंपली सोचो एक पॉजिटिव मास को, जिसको सिंपली मास ही बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, है ना। तो सिंपल मास को आप अगर लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन ले जाओगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी उसका हाइट बढ़ाओगे तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल जी घटता है कि बढ़ता है? उसका पोटेंशियल जी बढ़ता है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, अगर ये तो एनालॉजी से हुआ आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी का वो चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ पाते हो, उससे मैं उस एग्जांपल से बताया। अब इसको हम लोग नॉर्मली इस चैप्टर के फॉर्मूला से कैसे करेंगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल पोटेंशियल, ठीक है। अब क्यू पॉजिटिव है इस केस में, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं और लोअर टू हायर ले जा रहे हैं, तो ये डेल्टा वी पॉजिटिव है। डेल्टा मतलब हमेशा हायर, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो पहले आप बाद में हाई पोटेंशियल में, शुरू में लो पोटेंशियल में, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। अब डेल्टा यू पॉजिटिव है मतलब यू इंक्रीज हुआ है। डेल्टा यू मतलब क्या, चेंज इन यू। अगर चेंज इन यू पॉजिटिव है मतलब यू तो बड़ा होगा ना, ठीक है। ये था 177। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 178। तो दो दो क्वेश्चंस ले लेते हैं एक बार में, या तीन तीन क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे 178, 179 और 180। टू पॉजिटिव, 178 को मैं देख रहा हूँ, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग दीज पॉइंट्स इज स्टडीड वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो आपके पास दो पॉइंट्स है, एक है पॉइंट ए, दूसरा है पॉइंट बी। आपने दोनों जगह इक्वल पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो मान लो यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू रख दिया, ठीक है। अब ए से बी जाया जा रहा है, ए से बी हम लोग गए और हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू नोट किए, ठीक है। तो आप अगर ए से बी जा रहे हो तो आपको पोटेंशियल कंटिन्यूसली इंक्रीज होते दिखेगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज होते दिखेगा, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके चार ऑप्शन है, ठीक है। चलो तो आप सिंपली ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचना कि अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज को किसी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हो, ठीक है, तो वो हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन में जाता है। रेस्ट से छोड़ोगे तो इट ऑलवेज गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अर्थ के केस में भी देखो, तो अगर आप एक पॉजिटिव मास, जिसको सिंपली आप मास बोलते हो, मास को अगर आप छोड़ते हो रेस से, तो किस तरफ जाता है वो? हाई पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वहां पे आ जाएगा, टू लो पोटेंशियल जाता है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केसेस में अगर आप पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, नेगेटिव चार्ज को छोड़ोगे तो फ्रॉम लो टू हाई जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो आप ए पे एक पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करो, तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ए पे एक पॉजिटिव चार्ज को रेस से छोड़ो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो यानी ये हाई पोटेंशियल है और इस तरफ जाना मतलब ये लो पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन क्या है, हमेशा जा पाएगा उस तरफ? नहीं, आपको पता है यहाँ पे सिमेट्री से आप ये बोल सकते हो कि बीच वाला पॉइंट तक तो आराम से जाएगा, है ना, क्योंकि आपको इससे रिपल्शन मिनिमाइज करना है। तो आप सोचोगे कि इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाते जाते जाते, लेकिन अगर इसके बहुत ज्यादा दूर चला गया तो बी के बहुत पास आ जाएगा, और बी के बहुत पास आएगा तो फिर इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्वीट स्पॉट कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे है। मतलब आपके पास अगर दो जानवर है या दो, इन दोनों से दूर भागना है आपको और आप इसी लाइन के अलॉन्ग चल सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा, या लोएस्ट पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी, लोएस्ट पोटेंशियल, ठीक है, इस पॉइंट पे लोएस्ट पोटेंशियल होगा, है ना। तो क्योंकि आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे फ्रॉम रेस, तो इस तरफ जाएगा और उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा अप अंटिल दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद से फिर से उसका स्पीड घटते जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? ये तो था कि ऐसे विदाउट एनी कैलकुलेशन हम लोग पता किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक में ये जो है लोएस्ट पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ये हाई पोटेंशियल है, इनफैक्ट वेरी हाई रहेगा, बताऊंगा क्यों, ये भी हाई पोटेंशियल है, ठीक है। तो हाई से लो हुआ है, लो से हाई हुआ है, आप ए से भी जा रहे हो तो हाई से भी लो हुआ है, लो से हाई हुआ है, मतलब फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग फॉर्मूला से कैसे करते हैं वो देखते हैं, है ना। तो फॉर्मूला से आप समझो, आपके पास ए और बी पे दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव है और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है।
आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में मिड पॉइंट पे जीरो होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव अगर रखोगे तो ये पॉजिटिव उसको जितना रिपेल करेगा ये भी उतना ही रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन रिपेल कर रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। अब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट स्लोप ऑफ वी आर कर्व। एक सेंस में माइनस साइन भी रहता है लेकिन मैं अभी उसका जरूरत नहीं, जीरो ही है ना, तो स्लोप ऑफ वी आर कर्व है ना, यानी इस पॉइंट पे जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू आर जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस जी वी बाई डी आर। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, क्या है यहाँ पे? जीरो है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा है ना, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज के बहुत ही पास है। ठीक है, और जब इस चार्ज के बहुत पास होंगे तो इसका इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है तो इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे फिर से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उसी लॉजिक से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आप बना सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है फिर घटते 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 यहाँ पे जीरो होगा और फिर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि आप अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से छोड़ते भी तो ये फील्ड के टर्म्स में देख रहे हैं तो वो इस पॉइंट पे तक जाते जाते एक्सलेट होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, एक्सलेट मतलब सॉरी, इसका स्पीड बढ़ेगा और इस पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगा उसका स्पीड घटते जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के। ठीक है, तो उससे ही फिर से बता सकते हो जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगा वो पॉइंट आप मान लो लोएस्ट पोटेंशियल वाला है। ठीक है, तो इससे भी हो गया। आप सिंपल पोटेंशियल वाले फॉर्मूला से भी इसको कैसे करेंगे वो भी देख लो। आप जरूरी नहीं कि सब मेथड समझो लेकिन समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब पॉइंट बोलने का ये कि एक में कोई मेथड समझ में नहीं आएगा इन सब मेथड से, टेंशन मत लेना लेकिन मैक्सिमम समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो सिंपल पोटेंशियल वाले टर्म्स अगर देखे तो ये थोड़ा मैथमेटिकल है, तो ये प्लस क्यू प्लस क्यू, सपोज आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आर डिस्टेंस दूर है और ये क्या हो जाएगा? डी माइनस आर है ना, टोटल डी मान लो। तो इस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो आप क्या बोलोगे? के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय डी माइनस आर, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ दो ही चार्जेस तो है पूरी दुनिया में। ठीक है, इस प्रॉब्लम में तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, इस पॉइंट चार्ज के कारण निकालो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल हो गया ना। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो आया है वो आप देख सकते हो इस फॉर्म का है। ठीक है, ऑफ कोर्स पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ आर। ठीक है ना, डी तो फिक्स है इस केस में, ए और बी फिक्स है ना, तो कैपिटल डी इज फिक्स, लेकिन आप आर को चेंज करोगे मतलब यू आर ऑब्जर्विंग डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ आर। अब चेक करना है कि पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये कर लो। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय आर का हो जाएगा -1 बाय आर स्क्वायर। बाय वाले बच्चे इस अप्रोच को छोड़ देना, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, तो अगर आप इसको स्लोप देखोगे, ये चीज़ जो अब दिख रहा है यहाँ पे, इसका स्लोप देखोगे आप तो आपको ये दिखेगा, ये चीज़ ऐसी आई है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर आर इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं हम लोग, आर इक्वल टू जीरो पे ये चीज़ क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इनफैक्ट है ना। तो अगर आप इसका वैल्यू एट आर इक्वल टू जीरो पे देखो तो आपको क्या मिलने वाला है? डी बाई डी आर, आर इक्वल टू जीरो में आपको डी बाई डी आर माइनस इन्फिनिटी मिलने वाला है। ठीक है, आर ऑलमोस्ट जीरो रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी है ना, यानी शुरू में तो बहुत कस के आर घट रहा है वी घट रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ग्राफ बनाएंगे तो नेचर कुछ ऐसा होना चाहिए, वी वर्सेस आर का ग्राफ पॉइंट ए पे बहुत जल्दी जल्दी घट रहा है पोटेंशियल। ठीक है, वैसे करते करते एक ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे डी वी बाई डी आर जीरो होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा? आर इक्वल टू डी बाई टू पे, आर इक्वल टू डी बाई टू पे डी वी बाई डी आर जीरो होगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू डी बाई टू पे और आर इक्वल टू डी, यहीं तक ग्राफ आएगा। तो आप स्लोप वाइज देखो तो कुछ ऐसा करवाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं टेढ़ा बना दिया लेकिन आपको समझ में आ गया है ना, यहाँ पे देख लो, नहीं तो फिर से मैं बनाता हूँ। तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे,
ठीक है, ये है पोटेंशियल वर्सेस आर का एक सेंस में मोटा मोटी कर्व। ठीक है, पहले स्लोप घट रहा है, जीरो होगा, फिर स्लोप बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 178। ठीक है, तीनों मेथड जरूरी नहीं कि समझ में आए, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ 179 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अ स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द ओरिजन, कटिंग द एक्सिस एट पॉइंट्स ए बी सी डी, हैविंग कोऑर्डिनेट्स दिस इज दिस। ठीक है, आउट ऑफ द पॉइंट्स अ पॉइंट पोटेंशियल इज मिनिमम एट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ओरिजन पे, तो पहले ओरिजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बोल दिया पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग है ना, और आपको एक सर्कल बना दिया है, स्मॉल सर्कल ध्यान देना, इज ड्रॉन विद द सेंटर एट ओरिजन, और वो सर्कल को अगर ड्रॉ करे तो उसका रेडियस आपको बोल रहा है ए। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये चार पॉइंट्स पे कट करेगा और एक्सिस को, और वो चार पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आउट ऑफ दीज पॉइंट्स द पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पे होगा, अब याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिनिमम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है किसी पॉइंट पे, तो आप इसके अलॉन्ग चलोगे तो पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आई बात। इस फिर से आपको अगर ये अजीब लग रहा है तो फिर से ग्रेविटेशन वाला एग्जाम्पल सोचना, उससे अच्छा, उससे मतलब अजीब नहीं लगेगा। सपोज फिर से अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, आपको इस पॉइंट पे अगर आपको पता करना है कि पोटेंशियल का डिक्रीज मतलब मिनिमम पोटेंशियल किस तरफ, यहाँ से आप किस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे, तो पोटेंशियल मैक्सिमम डिक्रीज होगा। तो आपको पता है किस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल का डिक्रीज मैक्सिमम आएगा। ठीक है ना, याद रखना आप किसी और डायरेक्शन में चलते हैं इस केस में तब भी डिक्रीज हो सकता था, जैसे ऐसे चलोगे मान लो तब भी डिक्रीज होगा, लेकिन इतना ही लेंथ अगर नीचे चलोगे तब ज़्यादा डिक्रीज होगा ना। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कॉम्पोनेंट आ जाएगा कुछ है ना, हाइट का चेंज इतना ही आया है। तो उसी तरीके से इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने से मिनिमम पोटेंशियल आप एनकाउंटर करोगे, तो मिनिमम पोटेंशियल यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स में ये है, आपको इन चारों पॉइंट्स में बताना था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाने पे जो पॉइंट मिलेगा उसको ले लो। ठीक है, अब इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, 1.0 है ना, तो ए पॉइंट ए हो जाएगा इसका आंसर। ये था 179। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 180। इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रविंग इट इट्स वेट। अब बॉडी को चार्ज किया गया बाय रविंग है ना, अब ये तो हमें नहीं पता कि बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया। याद रखना रविंग वाले केसेस में, या आप जब भी चार्ज ट्रांसफर का बात करते हो तो खाली नेगेटिव चार्जेस ही मूव कर सकते हैं है ना। तो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, जब उसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज उससे दूर हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। ठीक है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के ही मूवमेंट से चार्ज होता है बॉडी है ना, तो पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द बॉडी किसी दूसरे बॉडी में चले गई, और नेगेटिव चार्ज हुआ है बॉडी मतलब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी से अपने बॉडी में आया गया, जिस बॉडी को देखा जाए उसमें आया है। तो वेट आपको पूछा गया है इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो मैं स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज, स्लाइटली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ठीक है ना, ऑफकोर्स हम लोग जब बॉडी की बात करोगे तो कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडी होगा है ना, ये नहीं कि बहुत छोटे बॉडी की बात कर रहे। ठीक है, एटम वटम की बात नहीं करेंगे, ऑफकोर्स उसको रब करके आप चार्ज नहीं कर सकते उस लेवल पे है ना, तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी होगा, ये बोलने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी का वेट जो होगा स्लाइटली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट से वेट में ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा ना। सपोज आपका ये बॉडी है, ये बॉडी को रब किए तो इसके पास इससे इतना 10 इलेक्ट्रॉन भाग गया और इसके 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो चार्जेस ऐसे ऐसे होंगे। अब इसका जो ओरिजिनल वेट था मान लो 10 kg है, तो इसका वेट अब 10 kg से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स का वेट एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स का वेट कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 × 10⁻³¹, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का वेट कितना आएगा, इतना आएगा 10⁻³० के ऑर्डर का आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ऐड करना चाहोगे 10⁻³० जस्ट फॉर द सेक, ये 10⁻¹ है
इन दोनों को ऐड करके तो आप 10^1 ही बोलोगे ना, तो वेट इसका इंक्रीज तो है लेकिन इतना स्लाइटली इंक्रीज हुआ है कि हमने उसको बोल ही नहीं रहे, ठीक है। इसे स्लाइटली इंक्रीज या स्लाइटली डिक्रीज, इसका वेट स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, सॉरी प्लस वाले का, और इसका वेट स्लाइटली इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये था 180। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 181 से होगा, तो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। सेवेंथ, वन एट्टी और भी लिख लेते हैं। तो 170 180 तक हो गया था ना, ये 181 और ये 182, ठीक है। हाँ, तो वो क्वेश्चन नंबर 181 में एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल इज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स जीरो होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म है मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है मान लो, तो इस पे जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज को उतना ही उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगा है ना, तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इज ऑलवेज जीरो किसी भी ओरिएंटेशन में। द अभी कंसिडर सिचुएशन ऑफ फिगर 29.13, 29Q3, द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पी टू ए इज डब्ल्यू ए, तो पी से ए ले जाने के लिए वर्क डन, पी से ए, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज यहाँ पे बस है ना, ध्यान देना, तो P से A ले जाओ, किसी पास से ले जाओ, हमें बताया नहीं गया है, उसके लिए वर्क डन बोला है W A, P से B ले जाने के लिए वर्क डन W B, किसी पास से ले जाओ, और P से C ले जाने के लिए वर्क डन W C, ठीक है। पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है वर्क इन सब केसेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केसेस में, कंजर्वेटिव फोर्सेस के केसेस में जनरल केस है। द वर्क डन इन टेकिंग, हाँ तो अलग अलग वर्क डन को कंपेयर करना, ठीक है। अब आपको पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है ना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक है। और डेल्टा यू हमेशा क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, ठीक है। अब डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, यानी क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, है ना। अब अगर तीनों केसेस में वर्क डन निकाले, ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन इन टेकिंग पॉइंट चार्ज बोला है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा होगा, जब तक तो बोला नहीं जाए इंटरनल या इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, तो एक्सटर्नल मान लेना, तो प्लस यू प्लस यू प्लस यू होगा, ठीक है। तो ये वी एफ माइनस वी आई आएगा, तो अल्टीमेटली, सॉरी मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है आपको। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, डेल्टा यू मानना, डेल्टा यू मतलब क्यू डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब वी फाइनल, फाइनली हम लोग कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है ना। तो अगर ए वाले केस में देखिए वर्क डन इन केस ए, तो वी फाइनल हो जाएगा। ए वाले केस में देखो फाइनल पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट पी था, ठीक है। बी वाले केस में देखे तो फाइनल पॉइंट वी है, इनिशियल पॉइंट पी था, और सी वाले केस में देखे तो फाइनल पॉइंट सी है, इनिशियल पॉइंट पी था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा वर्क डन बड़ा होगा छोटा होगा। अब यार ध्यान देना, आप ए बी और सी इन तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल तो इक्वल है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, क्योंकि एक ही चार्ज तो है यहाँ पे, और उस चार्ज से डिस्टेंस ऑफ ऑल दिस थ्री पॉइंट्स आर सेम, तो ये तीनों इक्वल है, ये तो इक्वल है ही, जिसका मतलब है कि ये सब भी इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आई बात। या डायरेक्टली आप वर्क डन वाला फॉर्मूला के क्यू वाला फॉर्मूला से भी करते तब भी आता है ना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर वाला फॉर्मूला से, तो ये था 182, ठीक है। मूविंग ऑन,
182 हो गया, 183 से अब बचे हुए क्वेश्चंस। हाँ नहीं, वो ये ये 183, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटेड अलोंग ए सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज जीरो, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे सेंटर वाला चार्ज, सॉरी सॉरी सॉरी, इज रोटेटेड इन ए सर्कल नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको बोला कि स्मॉल क्यू को एक सर्कल में घुमाया गया, ठीक है। स्मॉल क्यू को सपोज यहाँ से स्टार्ट किया गया, ऐसे ले किया गया और वापस यहाँ पे लाया गया, तो वर्क डन कितना हो गया, है ना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तो होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, है ना। तो लेकिन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम है ना चार्ज का, ठीक है ना। तो आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो इस केस में, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ, अब देखो कंफ्यूज कहाँ पे हो रहा था मैं, आपको बोला था सेकेंड चार्ज के बारे में। सेकेंड चार्ज जो है वो अगर सेंटर पे होता तो आपको लग रहा होगा जीरो हो जाएगा आराम से, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा, जैसे इसके ऊपर फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल 90 डिग्री है, तो हर स्मॉल पार्ट में भी वर्क डन जीरो है, तो टोटल वर्क डन जीरो, ठीक है। लेकिन मैं पहले सर्कल नहीं देखा था, है ना, कंप्लीट रिवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं देखा था, इसलिए उस समय थोड़ा पॉज लेना पड़ा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपका ये क्यू चार्ज सेंटर पे नहीं है तब क्या होगा, ये क्वेश्चन बन चुका है तब भी हम लोग देख रहे हैं, ये सेंटर है लेकिन क्यू चार्ज सेंटर पे नहीं है ना। तो अभी आप जब इसको स्मॉल क्यू को ले जा रहे होंगे तब इसका वर्क डन जीरो नहीं आएगा हर स्मॉल पार्ट में, ठीक है। फोर्स इसके कारण इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, हल्का हल्का वाला अभी के लिए इस मोमेंट में, जैसे यहाँ पे जब पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, एंड सो ऑन। लेकिन किसी किसी पार्ट में पॉजिटिव वर्क आएगा, किसी किसी पार्ट में नेगेटिव वर्क आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल लेस देन जीरो, तो यहाँ पॉजिटिव वर्क आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फोर्स ऐसे है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल वर्क डन जीरो हो ही जाएगा, हमें पहले से पता है ना। तो ये था 183। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन।